शॉर्ट के बाद बात आती है मूविंग की। जैसे मैंने बताया आपको कि हम अपने हिसाब से राइट क्लिक करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि अगर जब इसको शॉर्ट आप करते हो तो वो आपके अल्फाबेटिक के हिसाब से या वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट होता है, लेकिन मुझे अपने अल्फाबेटिक के हिसाब से शॉर्ट नहीं करना है, ना ही वैल्यू के हिसाब से शॉर्ट करना है, हमें अपने हिसाब से इसको अपने पोजीशन देना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं विकास जो है, मैं चाहता हूँ विकास सबसे टॉप पे आए, तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है और यहीं पे मूव विकास फॉर बिगनिंग अप डाउन लेफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको बिगनिंग कर दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन आपको अगर ले जाने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, इस माउस के जो कर्सर है, कर्सर की जो पॉइंटर है उस पर आप अपना रखिए और इसको आप इस तरह से उठा के ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, इस तरह से उठा के ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हैं ईजली। सेम उसी तरह से आप कॉलम में अगर है आपका, इसमें सिटी उठा के मैं कॉलम में रख देता हूँ, तो कॉलम में भी आप इसको मूव कर सकते हैं, यहाँ से मूव फॉर बिगनिंग आप वगैरह कर सकते हैं, या फिर इसे मान लीजिए कि मुझे नोएडा और दिल्ली दोनों को अलग करना है एक जगह पे, तो उसको उठाया और इसको हम सबसे टॉप में जहाँ भी ले जाना है, जहाँ जो दिख रहा है लाइनिंग, जहाँ पे लाइनिंग रुकेगा वहीं पे आपका ड्रॉप हो जाएगा। ये हमारा शॉर्टिंग थी। तो राजेश जी एंड राकेश जी, समझ में आया आपको शॉर्टिंग? जी जी ठीक। तो मूविंग था हमारा, वैल्यू कैसे पिवट में मूव करेंगे।